हेलो स्टूडेंट्स बेटे, आपने पढ़ा था आपका अकाउंटिंग के बारे में। बेटे अकाउंटिंग साइकिल, बेटे अकाउंटिंग साइकिल जर्नल एंट्री से स्टार्ट होता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पर एंड होता है। तो बेटे एंट्री को मैंने रिकॉर्ड किया था आइडेंटिफाई और मेजर करने के बाद। तो अकाउंटिंग साइकिल की स्टार्टिंग जर्नल एंट्री से होती है। सबसे पहला जर्नलाइजिंग, ट्रांजेक्शन को हम प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, उसको बोलते हैं जर्नलाइजिंग। जर्नलाइज उसकी पोस्टिंग करते हैं, लेजर अकाउंट में क्लासिफिकेशन करते हैं, उस काम को बोलते हैं पोस्टिंग करना। पोस्टिंग के बाद बैलेंसिंग, लेजर अकाउंट का बैलेंस निकालते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड टोटल करते हैं, जो डिफरेंस अमाउंट होता है हमारा बैलेंस होता है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग के बाद में ट्रायल बैलेंस प्रिपेरेशन, हम लेजर अकाउंट से समरी बनाते हैं अकाउंट्स की, उसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस, वो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स होता है। उसके बाद बनते हैं इनकम स्टेटमेंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जिससे फर्म का ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट मालूम होता है। और सबसे लास्ट में बेटे कंपनी की बैलेंस शीट बनती है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को देखने के लिए। अकाउंटिंग से क्या है, यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन किसके लिए यूजफुल होती है। बेटे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर दो होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल वो है जो बिजनेस के अंदर है, बिजनेस के ऑनर, बिजनेस के एम्प्लॉय, बिजनेस का मैनेजमेंट। एक्सटर्नल में हमारे सप्लायर, क्रेडिटर्स, बैंक, गवर्नमेंट, टैक्स अथॉरिटी, कंज्यूमर, हमारे कंज्यूमर जानना चाहते हैं कि कंपनी की क्या पोजीशन है, कंपनी क्या काम कर रही है। तो बेटे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर इंटरनल और एक्सटर्नल होते हैं, उन सबको अपने अपने किसी भी उद्देश्य के लिए, टारगेट के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। अकाउंटिंग का पहला ऑब्जेक्टिव है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, क्योंकि हम हर चीज़ को अपने पास याद करके नहीं रख सकते, अगर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की भी होगी तो हमारे लिए हेल्पफुल होगी। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है उसको जानने के लिए अकाउंटिंग कंपलसरी होती है। पोजीशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस की पोजीशन क्या है, परफॉर्मेंस और पोजीशन। और लास्ट में था बेटे कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन टू द यूजर, यूजर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए अकाउंटिंग कंपलसरी होती है। एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की एडवांटेज क्या क्या है। सबसे पहला, मनुष्य कितने भी बात याद रखना चाहे कुछ ना कुछ भूल जाता है, तो बिजनेस में बहुत सी ट्रांजेक्शन होती है, सबको याद रखना मुश्किल होता है, अगर लिखी हुई है तो हमारी मेमोरी के लिए काम आती है, हमें मालूम है किस ट्रांजेक्शन किसके आदमी क्या लेन देन किया। सेकेंड, लीगल रिक्वायरमेंट, कुछ लीगल रिक्वायरमेंट होती है, कानूनी औपचारिकताएँ होती हैं, उसको पूरा करने के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कंपलसरी होती है। बिजनेस की परफॉर्मेंस देखने के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कंपलसरी है। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन देखने के लिए, डिसीजन मेकिंग, फ्यूचर के लिए हम कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, हम किस प्रोडक्ट को फालतू बनाएं, किसकी प्रोडक्शन कम करें, किस ब्रांच को ओपन करें, किस ब्रांच को बंद करें, उन सब के लिए फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए हमारे पास में अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड हो तो उनसे काम होता है। कंपैरेटिव स्टडी, हम 2 साल को कंपेयर करना चाहते हैं, या अपनी कंपनी को किसी दूसरी कंपनी से कंपेयर करना चाहते हैं, तो कंपेरेटिव स्टडी के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आवश्यक होती है। टैक्स लाइबिलिटीज, कितना टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है, कितना GST है, कितना इनकम टैक्स है, एक्साइज है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी है, उस सब के लिए है टैक्स लाइबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आवश्यक होती है। राइजिंग लोन, अगर हम किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो बैंक भी हमारी जो फाइनेंशियल पोजिशन देखना चाहता है, उसके लिए हमारे अकाउंटिंग को चेक करेगा और उसके बेस पे हमारे को आगे लोन प्रोवाइड करेगा। लास्ट होता है बेटे लीगल एविडेंस, यदि कोई डिस्प्यूट हो किसी से, कोई फाइनेंशियल डिस्प्यूट है बिजनेस का, वहाँ पर हमारे डॉक्यूमेंट्स, हमारे अकाउंटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट एक एविडेंस का काम करती हैं, जिसके बेस पे अपने आप को प्रूव कर सकते हैं।